ओडिशा उपरे सक्रिय लघुचाप उत्तर पश्चिम बंगोपसागर तार आखपाख अंचल लघुचाप प्रभाव में प्रबल वर्षा संभावना 23 जिला को येलो वार्निंग जारी करणिपाग केन्द्र खोर्धा कटक जगत सिंहपुर केन्द्रापड़ा जाजपुर पर जिले में वर्षा पर सतर्क सूचना जारी कर सकु पारादीप सर्वाधिक 122 मिलीमिटर पुरी में 121 और चांदवाली में 86 मिलीमिटर वर्षा रेकर्ड होते सतैश आसुची आउ एक लघुचाप आईएमडी अनुसार लघुचाप प्रभाव में आसंता 23-25 तारीख पर्यंत ओडिशार उपकूलवर्ती जिलागुड़िक प्रबल वर्षा होवार संभावना रही है। इस समय पवन बेग घंटा प्रति 40-50 किलोमीटर को वृद्धि पाई लघुचाप प्रभाव में आगामी किछु दिन समुद्र अशांत रहिबो। स्वप्नांजलि महांती आम भुवनेश्वर रिपोर्टर पाणिपाग संपर्कित खबर अपडेट पाई तांको निकट को नहीं चलु स्वप्नांजलि ओडिशा उपरे सक्रिय लघुचाप कहुची आउ एक लघुचाप आसवाक जाऊँगी आग को कौन अपडेट देवाक चाहिए देखंतु निवेदिता जो भाव में वर्षार मात्रा धीरे धीरे बढ़िबार लगी गत काली जदि सूचना आम देखा तेल दुई दिन प्रबल अति प्रबल वर्षा हबार जहां संभावना रही उत्तर पश्चिम एवं तत्संलग्न अंचल जहां लघुचाप एक सृष्टि बोली सूचना रही प्रभाव में राज्यर उत्तर उपकूल ओडिशा और आभ्यंतरण ओडिशा अधिक वर्षार संभावना रही तेणु जहां पूर्व सूचना रही है जे आज को बाद दे अर्थात 1 जून 22 जून अर्थात 22 जून पर्यंत जहां वर्षार रेकर्ड कर 346.3 मिलीमिटर वर्षा रेकर्ड कर किंतु जहां स्वाभाविक स्थिति रहे निवेदिता जे पूर्व वर्षर जो भाया वर्षार रेकर्ड थिला किंतु चलित वर्ष मौसुमी वर्षा ठारु 24% यह कम रही जो भाई कहुए जे 11 जिले में स्वाभाविक वर्षार रेकर्ड सृष्टि होता बेले 19 जो नियंटिया वर्षा होता यह पूरण कर आशा रही जो चाषी मानू वर्षार परिमाण कम थिला को जो खरीफ फसल मात्रा कम थिला ताहा हुए तो भल भाव हो पारे जदि कह बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा जगत सिंहपुर पुरी कटक समेत भुवनेश्वर को आज जहां सूचना रही तीन घंटा सका प्रबल बर्षि और यही वर्षार पापाग विभाग जहां सूचना और आकलन करा पर्यंत प्रबल बर्षि और विभिन्न जगह को जीवाई मना करपाग विभाग सूचना दे जो एरिया जो अंचल मानक प्रबल रु प्रबल वर्षार संभावना रही सेठी कोभली भाव में ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करा जिबो कहीं वर्षार संभावना अधिक रही डेंगूर संक्रमण कमुना तेणु भुवनेश्वर कटक जहां भी सिटी जहां भी सहर रही तहार ड्रेनेज सिस्टम को कोभली भाव में जल निष्कासन सठिक सुविधा को देखा जिबो ताहाको मध्य पानीपाग विभाग देखिथे जो किछि दिन पूर्व जो वर्षा होता इस्कॉन मंदिर निकट स्थिति कौन होता ये गोटे कथा आउ गोटे कथा हूँ जानते हैं लगा वर्षा एवं दुई दुईट लघुचाप कथ जो कहुच्छे आज पाग जदि आप देखिए कौटिना कौटि वर्षा आरंभ हो गला जदि दुई दुईट लघुचाप होषा जारी रन्या परिस्थिति उपजी पारे एने प्रशासन प्रस्तुत अच्छे निहत भाव निवेदिता जो भाई कहुच्छे जे पूर्वर वर्षा आम देखी दुई तीन दिन तलर कथा कहतु से भुवनेश्वर इस्कन कथा कहतु मंचेश्वर कथा कहतु ये सबु जगार पूरा पा रही जो भाव में विभिन्न अंचल पूरा बुड़ी रही सेपटे अनेक लोक घर बुड़ रही कहुपे कि आज जो वर्षार संभावना रही प्रशासन प्रस्तुत रहीबार जहां सूचना मिलू कि यह कहुपे जो भाव में वर्षार जो रेकर्ड धीरे धीरे भांगिया जाऊँ जेहेतु पूर्व वर्षार परिमाण कम थिला एवं आज तीन घंटा प्रबल बर्षिब तेणु यह समस्ते दृष्टि रखिंट कौली भाव में प्रशासन सठिक भाव में जहां सूचना रही सठिक भाव में कौली भाव में लोक मान हित लोक मान सुविधा देखिके कौली भाव में से परामर्श कौली भाव में लोक मान सचेतन रही परामर्श देव और कौली भाव में जल निष्कासन करने शत प्रतिशत निज आड़ चेष्टा कर कहीं पूर्व जहां आम चित्र देखी विभिन्न अंचल लोक मैंने पानी रे आसुले पानी रे जो मात्रा रही अंचल कथा कहतु कि ग्रामांचल सहरांचल विशेष भाव में पा जो निष्कासन प्रक्रिया सुविधा हवा कथा से ही अंचल मानक सुविधा हो पार ना कार भासी जबार चित्र देखा तेणु समस्त लोक मानक निहाती भाव में दृष्टि रे प्रशासन कौली भाव में सचेतन रेहतु पापा प्रशासन मुकबिला करुच्छे जेहेतु दुई दुईट लघुचाप रही वर्षा आरंभ हो गला आहरी तीन घंटा प्रबल
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଏକ ଲଘୁଚାପ ଆସୁଛି। 27 ତାରିଖରେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ତାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆରି ମଧ୍ୟରେ 23 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁପ୍ରାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିପୋର୍ଟର। ଏ ବାବଦରେ ଆମ ସହିତ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।